उपचुनाव नतीजे पर बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। रावत जी, जो नतीजे आए हैं, खासतौर से उत्तराखंड की बात करें, थराली में हार हो गई है कांग्रेस की। हाँ, मामूली वोटों से हम हारे हैं। पिछले बार की हार की तुलना में मार्जिन बहुत कम हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साह से उन्होंने काम किया। अनंतोगत्वा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल बढ़ा है और हम समझते हैं आगे हम और अच्छी टक्कर भाजपा को दे सकेंगे और उनके लिए हम आगे का रास्ता कठिन ही नहीं बनाएंगे, उनसे सत्ता छीनेंगे। मिशन 2019 की बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज देते हैं ये उपचुनाव, चाहे कैराना की बात हो, उत्तर प्रदेश की नूरपुर विधानसभा सीट की बात हो, या फिर ओवरऑल नतीजों की बात हो, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो नतीजे हैं, सारे देश के सभी भौगोलिक खंड जितने हैं और उसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, वहाँ से आए हैं और नतीजे सत्तारूढ़ दल भाजपा के खिलाफ गए हैं और मैं समझता हूँ उनके लिए एक लास्ट वार्निंग के तौर पर सुधरो, नहीं तो 2019 गया, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि 2019 भाजपा के हाथ से चला गया। धन्यवाद। और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ये दावा करते हो कि मिशन 2019 के लिए चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, भले ही उत्तराखंड में थराली सीट पर हार हुई हो कांग्रेस की, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के वो कहीं ना कहीं मिशन 2019 से जुड़े हैं, लिहाजा सियासी वार कर रहे थे हरीश रावत बीजेपी पर। कैमरामैन विद्या के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।